तो भाई आज हम आ गए हैं ऋषिकेश में और आज ही मैम है यहाँ पर, मथुरा से आए हैं मैम। मैम आपका नाम? झलक। झलक नाम है मैम, झलक। एंड सर भी हैं साथ में। सर आपका नाम? मुकुंद ओझा। मुकुंद ओझा, ओके। आपका ही पेटीएम नंबर मैंने अभी किया था, ठीक है। तो भाई मैम यहाँ बना रही हैं मुरादाबादी दाल और इसके साथ मैम ये यहाँ पे लाल मिर्ची डाल गई तीखा करने के लिए इसको। अभी हमने इसको टेस्ट किया है थोड़ी देर पहले, हम दोबारा से बनवा रहे हैं क्योंकि ये इतना अच्छा था खाने में, तो हम दोबारा से इसे बनवा रहे हैं। और ये इनका स्टाइल है बनाने का। और खाने वालों को भी दिखा दो। और खाने वाले यहाँ जीभ निकाल के खड़े हुए हैं भाई। इधर रोशनी कब आएगी? वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मुरादाबादी दाल। हाँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वंदना मुझसे बहुत तारीफ कर चुकी है, तो इसीलिए हम इसको ट्राई करने वाले। तो ये ऋषिकेश में जानकी सेतु के पास जो पार्किंग है वहीं पर है। आज ही इन्होंने ओपन किया है इसे और एक इनकी छोटी सी कार्ट है बड़ी प्यारी सी, ये आप पूरा देख लीजिए। मैं आपको जानकी सेतु भी दिखा देती हूँ साथ में। यहाँ पर इसके पास जो है ये झलक मैम है जो मुरादाबादी दाल बना रही है। तो अब देखते हैं जरा टेस्ट करके, हमारे फ्रेंड्स इसको टेस्ट करेंगे ये वो कैसी है। Have a look. इसमें काफी सारी चीजें हैं और देखने में बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको प्रेजेंट किया है। राइट right. कैसा है? पहले तो चीजी बाइट है, चीजी बाइट। तो अब ये दोनों टेस्ट करने वाले हैं, दो पागल लोग। और संदीप खा चुके हैं इसको भी थोड़ी देर पहले, तो कैसा अपना? जबरदस्त और बहुत अच्छा स्वाद है इसका। अच्छा है, मैंने भी टेस्ट किया था। आई टर्न, आई हैव जस्ट ईट इजी बाइट। तो शिप्रा बताएंगी अब कैसा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फैट तो मैं कहूंगी कि नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि हम इसको एक हेल्दी डाइट वी कैन से, इट्स अ हेल्दी डाइट एंड डिलीशियस टू। तो थैंक यू। मूंग का दाल, प्रॉपर मूंग का धुला हुआ दाल है ये, और बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने इसको मैनेज भी किया हुआ है। ये देखिए आप, इनकी छोटी सी कार्ड बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया, हाथ में ग्लव्स भी पहना हुआ है, हाइजीन का पूरा ध्यान है। तो कोई बात नहीं, तो अभी हम दोबारा से ऋषिकेश आते हैं और दोबारा से मैं दोबारा टेस्ट करना चाहूंगी क्योंकि काफी अच्छा था ये। और आप भी जल्दी आइए और यहाँ पे इसको टेस्ट कीजिए।